Hi friends, subscribe my YouTube channel Dudu Technician and press the bell icon. तो आज हम सीखेंगे MI Cloud के बारे में। अगर आपका फ़ोन पे सारा डेटा डिलीट हो गया है या आपका फ़ोन फॉर्मेट हो गया है तो सारा डेटा बैकअप कैसे लें, या अगर आपका फ़ोन खो गया है या उसको ट्रैक करना चाहते हैं या आपको आपका डेटा चाहिए तो उसको आप कैसे रिकवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सीखते हैं कि कैसे रिकवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके मोबाइल की सेटिंग पे। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की सेटिंग पे। तो यहाँ मेरा सेटिंग है, तो चलते हैं सेटिंग में। तो उसके बाद आ जाइए MI अकाउंट। चलिए MI अकाउंट, ठीक है, यहाँ आ गए। उसके बाद यहाँ MI क्लाउड पे आइए। ओके, तो यहाँ आपका सारा डेटा यहीं पे आपका रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे कि कॉन्टेक्ट्स है, मैसेजेस है, गैलरी है, कॉल हिस्ट्री है, रिकॉर्डिंग है, नोट्स है, आपका सारा सेटिंग वोटिंग सब कुछ यहाँ पे है जो कि आपका रिकवर हो जाएगा। 5 GB का है तो मेरा भी 2.39 GB का भी बैकअप ले रहा है, तो इसमें आपको सारा चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर कैन नॉट सेंचिंग होगा तो आपको उसको सेंचिंग नाउ पे क्लिक करना होगा और ऑटोमेटिक ही आपको सारा डेटा आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैसेजेस है, फोटोज़ है, तो आपको ऑटोमेटिक ही उसका आपका गैलरी में आ जाएगा या मैसेजेस में आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेते हैं। तो एक्चुअली मुझे ये गैलरी चाहिए नहीं, फ़ोटो चाहिए नहीं, तो इसको ऑफ ही कर लेता हूँ। तो आपको जो जो चाहिए उसको ऑन कर दीजिए और सेंचिंग में नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और मुझे कोई मैसेज किया कि डिलीट हुआ मैसेज या डेटा वापस कैसे लाएं, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है डिलीटेड आइटम्स, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आपका शर्त है कि मतलब 1 महीना का ही डेटा आपको मिलेगा, 1 महीना पहले का ही डेटा मिलेगा आपका। यहाँ लिखा हुआ है यू कैन रिस्टोर द आइटम डिलीटेड विद पास्ट 30 डेज, मतलब 30 दिन पहले का ही आपको डेटा मिलेगा डिलीट जो हुआ था, और जो आप लोग का अपलोड है वो तो मिलेगा ही। तो यहाँ आपको सिर्फ मैसेज और गैलरी में फ़ोटो और कॉन्टेक्ट ही आपको रिकवर हो सकता है 1 महीने पहले का। तो आप इस तरह अपना डेटा बैकअप कर सकते हैं। अगर नहीं तो दूसरा भी उपाय है, तो चलिए दूसरा उपाय देखते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र चलिए, वहाँ पे लिखिए MI Cloud, उसके बाद सर्च कर लीजिए। तो यहाँ Xiaomi की तरफ से है, Xiaomi Cloud पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे Xiaomi Cloud पे क्लिक करके यहाँ सिंपली साइन इन कर दीजिए। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर दीजिए रजिस्टर, जो अपने MI अकाउंट बनाए थे उसी नंबर, तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद यहाँ गेट वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपका OTP आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर पे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ ये OTP आ चुका है, तो मैं ये OTP को टाइप कर दूँगा। तो यहाँ साइन इन कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका सारा डेटा यहाँ से आपको रिकवर हो जाएगा। जैसे कि मेरा फ़ोटो मुझे बैकअप करना है तो कैसे करें, तो गैलरी पे सिंपली क्लिक कर दें। तो यहाँ पे सारा फ़ोटो मेरा यहाँ से आ गया जो, तो इसको डाउनलोड कैसे करें, तो सिंपली आप कोई भी फ़ोटो पे क्लिक कर दीजिए, जैसे कि इस वाले पे करता हूँ। उसके बाद सिंपली यहाँ, तो सिंपली यहाँ क्लिक करके अपना, तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर दें। तो इस तरह आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं अपना डेटा को सारा। तो चलिए यहाँ मैसेज पे जाता हूँ। तो देखिए यहाँ से पूरा मैसेज आ गया जो मेरा पहले वाला फ़ोन पे था। तो इस तरह आप मैसेज उसे सब देख सकते हैं। उसके बाद आइए सेटिंग में, यहाँ आप देख लीजिएगा कौन सा फ़ोन है, नहीं है, कितना बैकअप है। तो आप यहाँ से आ जाइए फाइंड डिवाइस, तब यहाँ से अपना मोबाइल का लोकेशन चेक कर सकते हैं कि अपना फ़ोन आपका कहाँ है। तो Redmi Y1 ऑनलाइन दिखा रहा है, तो यहाँ से मैं क्लिक कर लेता हूँ सिंपली।
उसके बाद आपको लोकेशन दिखा देगा। ओके, तो एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ मेरा दिखा दिया, तो यहीं पे मेरा मोबाइल है। तो इस तरह आप ट्रैक भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए दूसरी तरफ जाते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग। अगर आपने कॉल रिकॉर्डिंग किया होगे तो आपको यहाँ सिंपली कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए आपको कॉल रिकॉर्डिंग पूरा यहाँ से आ जाएंगे। आप इस तरह अपना फ़ोन का बैकअप ले सकते हैं पूरा डाटा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।